कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? ये जो विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है, जो मुद्दों की कंगाली है, उसका नतीजा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे महामहिम राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में किस कुर्सी में बैठेंगे, कितने एंगल में बैठेंगे, इन सब विषयों को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, एक चिट्ठी ज्ञापित कर रहे हैं और उस चिट्ठी में तमाम विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठाना चाहिए था वहीं बैठाया गया है। विपक्ष के मुद्दों की कंगाली का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके फोटो को मॉर्फ करके, उनके वीडियो को मॉर्फ करके जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ट्विटर और सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया, आज ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण उसका नतीजा है। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75% के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं हुआ या नहीं होना चाहिए? 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी, ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी, उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा जो इसमें संलिप्त है, उसे देना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी था। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी, मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सुईना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे, यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें, दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन का, ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए, उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है,
यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है, कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्र करता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करेगा। बंधुगण, ये दुखद विषय है कि विपक्ष जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए उन मुद्दों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल कर रहा है, अपने आप को गौण कर रहा है। आप सोच के देखिए, बंगाल में पार्थ चटर्जी जी के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए निकलते हैं। आप सोच के देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे आम आदमी पार्टी को जब हमने घेरा पंजाब में तो उन्हें अपने मंत्री से ही इस्तीफा लेना पड़ा। उससे पहले वो कह रहे थे कि 10 दिनों में हमने पंजाब में करप्शन समाप्त कर दिया। सत्येंद्र जैन किस प्रकार के आकंठ करप्शन में डूबे हुए थे। आज एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हो रही है दिल्ली में। तो स्वाभाविक रूप से जहां करप्शन है वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑल दोज हु आर करप्ट डू नॉट हैव द राइट टू बी एंटाइटल्ड टू नो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ ड्यू प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड एंड द लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ड्यू कोर्स एंड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये हिंदुस्तान की सुंदरता है। यहां से मत को भटकाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए प्रधानमंत्री के मॉर्फ्ड वीडियो को चलाना, इन सब से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक चिट्ठी भी लिखी है महामहिम हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को। यह चिट्ठी की प्रति कोविंद जी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के प्रति जीवंत है, किस प्रकार से वो कोविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक साधारण गांव से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आपने इस ऑफिस को, इसके गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। एवरी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और। हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना हम में से हर किसी को आना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है। मुझे लगता है सोनिया जी को इस प्रकार की राजनीति को छोड़, आज ईडी के सामने प्रस्तुत होकर जो भी सच्चाई है कि किस प्रकार से उन्होंने और राहुल जी ने यह पूरा नेशनल हेराल्ड के षड्यंत्र को रचा था, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा सोनिया जी करेंगी। ये हम सोनिया जी से आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार विपक्ष का ये कहना है कि उन्हीं राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, और अभी जो हम देख भी रहे हैं, चाहे बंगाल की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, दूसरे राज्यों को जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है वहीं पे भी जा रही है, तो सिर्फ संयोग मात्र ही है। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने यहाँ पर जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा 5,000 करोड़ का गबन हुआ है। गबन का आरोप है तो पूछताछ होगी, जहाँ भ्रष्टाचार है वहां पर जांच होगी, ये कहना है बीजेपी का। सोनिया राहुल से पूछताछ हो रही है ये भी कहा गया है, क्योंकि आपको बता दें आज एक बार फिर से सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी और उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख रहे थे, जहां पर जमकर निशाना साधा गया तमाम विपक्षी पार्टियों पर और खास तौर पर कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ किसी के घर से रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं और यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का संज्ञान मेरिट के आधार पर लिया है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसी प्रकार का रोक टोक सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि ईडी और आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गली गली घूम रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर भी पूछे, सवाल वहाँ पर भी बनता है जब डॉक्टर अमन सिंह और उनके बेटे जो है वो पनामा लीक पेपर्स के मामले में एक्यूज है और भी बहुत सारे घोटाले हैं जिस पर लेकर मामले दर्ज हैं, वहाँ पर पूछताछ क्यों नहीं करती।
हिम्मत है तो पूछताछ करें, ये सीएम कह रहे हैं। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं, ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के दूरबीन लगा के देखते नहीं है कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानी है, वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक